हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लुकेज आर अनलिमिटेड स्टडीज ओन एंड लास्ट क्लास में हमारा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस चल रहा था जिसमें हमने पी टेस्ट की बात करी हमने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात करी और हमने कंपेरिजन टेस्ट की बात कर ली कम्पेरिजन टेस्ट में मैंने बताया था कि यू होता है वी बनाना पड़ता हमको और वी बनाने का जो तरीका होता है हाईस्ट पावर ऑफ़ द न्यूमिनेटर टर्म एंड हाईस्ट पावर ऑफ़ द डिनोमिनेटर टर्म मिला करके हम लोग बनाते थे देन उसके बाद में हम लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन करते थे जो कि एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होने पर हम अकॉर्डिंग टू वी एन जो हमारा आता था पी पी टे, पाई टेस्ट पी टेस्ट लगा करके हम फिर यूएन को डिक्लेयर करते थे कि वो सीरीज कैसी है तो आइए पुराने लेक्चर तो आई होप आप लोगों ने देख चुके होंगे तो आइए लेक्चर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज करते हैं अगला लेक्चर तो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आपके सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन है वन अप ऑन टू रूट टू बाई फाइव रूट थ्री बाई टेन अप टू अपू एन और एंथ टर्म इसमें दिया गया है एन स्क्वायर प्लस वन मतलब हमको टर्म भी नहीं बनाना भाई हमको nth टर्म तो यहाँ पर दिया हुआ है ओके सो वी एन बना लीजिए वी एन बनाने का तरीका हाईएस टर्म ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन हाइएस्ट टर्म ऑफ द डिनोमिनेटर देन वी एन इज इक्वल्स टू एन टू द पावर वन बाई टू अपॉन एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एंथ पावर वन बाई टू माइनस टू और ये आ गया एन की पावर माइनस थ्री बाई टू जिसको हम लिख सकते हैं वी एन इक्वल्स टू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं वन अपॉन एन टू दावर थ्री बाई टू इतनी मेहनत करने के बाद अब क्या अब इसके बाद हम यू एन अपन वी एन में इन्फानाइट लिमिट टेस्ट लगाते थे यू एन अपन वी एन को इन्फानाइट तक टेंट करेंगे सो यू एन अपॉन वी एन इक्वल्स टू एन टू दावर वन बाई टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन वी एन कितना आएगा देखिए देखिए यू एन कितना है यू एन मतलब न्यूमरेटर की ये जो, ये जो यू एन है पूरा का पूरा आपका ये यू एन है और वी एन क्या बताया था मैंने हाइएस्ट पावर ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन हाइएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर जिसको सॉल्व करके हमने ये निकाल लिया ओके सो so फिर यू एन अपॉन वी एन कर दीजिए ओके ये वी एन पूरा का पूरा इतना है इसको सॉल्व कीजिए यू एन अपॉन वी एन लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी लगा करके तो ऊपर आ जाएगा एन स्क्वायर ओके बिकॉज पावर थ्री बाई टू ऊपर चली जाएगी तो वन बाई टू प्लस थ्री बाय टू दट इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन एन स्क्वायर एन स्क्वायर कॉमन लेकर के ये कितना आ गया है वन एंड वन इज नॉन जीरो वन जो है वो नॉन जीरो है साथ ही साथ क्या है फाइनाइट है जिसकी हमें तलाश रहती है तो ओके सो बाई द पाई टेस्ट पी टेस्ट करते हैं यहां पे देखिए तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा वी एन की तलाश करते हैं सो लिमिट एंड टेंस टू इक्वल्स टू वन अपॉन एंड थ्री बाई टू और थ्री बाई टू जो हमारे पास स्पेशल फॉर्मेट होता है सिग्मा टू पावर पी में पी की वैल्यू थ्री बाई टू क्या है भाई ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन अगर होता है तो क्या सीरीज होती है कन्वर्जेंट होती है ओके okay? तो ये जो सीरीज है हमारी होगी कन्वर्जेंट सो यू एन इज इक्वल टू कर वी एन इक्वल टू करजेंट क्योंकि वी एन कन्वर्जेंट है इस वजह से यू एन भी क्या लेना पड़ेगा हमें कन्वर्जेंट ही लेना पड़ेगा चलिए आइए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं ये देखिए क्वेश्चन चेक अबाउट द सीरीज वूज एंड टर्म इज़ n क्यूब प्लस वन अंडरवुड n क्यूब प्लस वन माइनस n क्यूब भाई खतरनाक सी सीरीज दिख रही है अब आप सोचोगे इसमें डिनोमिनेटर तो कुछ है ही नहीं भाई सोचने का क्या है सीधे रेशनलाइज कर देते हैं तो डिनोमिनेटर दिखने लगेगा सो एन क्यूब माइनस वन माइनस एन क्यूबूब दट इज इक्वल टू रेशलाइज करने पर देखिए एन क्यूब प्लस वन प्लस एन क्यूब अंडर अंडरवुड और अंडर अंडरवुड एन क्यूब प्लस वन प्लस अंडर अंडरवुड एन क्यूब कर दिया ए प्लस बी ए माइनस बी से एन क्यूब माइनस एन क्यूब कैंसिल हो गया वन अपॉन अंडरवुड एन क्यूब प्लस वन माइनस एन का क्यूब भाई जानते हुए क्या है ये अपना है यूएन क्या है ये ये यूएन है ओके अब यहां पे देखिए वीएन बनाना है वीएन वी एन मतलब हाइएस्ट पावर देखिए हाइएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर अपॉन हाइएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर वी एन बनाइए तो देखिए न्यूमरेटर में कोई पावर नहीं है यानी कि वन और डिनोमिनेटर की पावर कितनी निकल रही है हाइएस्ट एन टू दी पावर थ्री बाई टू तो ये हमारे पास कितना आ चुका है वीएन आ चुका है यू एन और वी एन निकाल चुके हैं हम सो so, अब हमें क्या करना है लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन कर देंगे सो दिस अपॉन दिस ये जो हो चुका है वन अपॉन एन टू द पावर थ्री बाई टू सो लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी टू द पावर थ्री बाई टू सबसे ऊपर चला जाएगा और क्या बच जाएगा भाई अंडर रूट एन क्यूब प्लस वन माइनस एन क्यूब और ये देखिए इसको मैंने अगेन रेशलाइज़ कर दिया क्योंकि मुझे लिमिट लगानी यहाँ पे ओके okay? सो so, uh, या आप चाहें तो डायरेक्टली यूएन जो आपने सिम्प्लीफाई किया है आप यहां से भी उठा सकते हैं यूएन खैर कोई बात नहीं है मैंने यहां पे लिख दिया है तो चलो कर ही देते हैं ओके सो यूएन अपॉन वीएन तो देखिए ये एन टू द पावर थ्री बाई टू पलट करके ऊपर आ जाएगा एंड हम लोग वेट कर रहे हैं इसको सिम्प्लीफ़ाई करने का तो ए प्लस बी ए माइनस बी ऊपर वन आ गया यहाँ पर एन की पावर थ्री प्लस वन एन की पावर थ्री एन की पावर थ्री बाई टू मैंने अकेन कॉमन ले लिया है तो वन अपॉन एन क्यूब हो जाएगा ये ओके और ये वन हो जाएगा Uh, तो कितना अपने पास आ गया दैट इज इक्वल टू वन अंट टू एंड वन अपॉइंट टू इज ऑन नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू ओके तो ये क्या है ये नॉन ज़ीरो भी है एंड फाइनाइट भी है ठीक है सो नॉन जीरो एंड फाइनाइट होने की वजह से ये जो आप इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू वन आ टू आ गई है सो so, अब हम देखते हैं वी एन क्या है तो वी एन हमारे पास आया है वी एन इज इक्वल्स टू आया है वन अपॉन एन टू द पावर थ्री बाय टू तो सिग्मा वी एन हमें सॉल्व करना है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा वी एन दैट इज इक्व टू एन टेंस टू इन्फिनेटी सिग्मा एन के पावर थ्री बाय टू अब यहाँ पर देखिए अगर हम सिग्मा वन अपॉन एन टू द पावर पी फॉर्मेट की तरफ ख्याल करें तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री बाई टू दैट इज ग्रेटर देन वन सो वी एन इज कन्वर्जेंट और दैट्स वाई यू एन इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट टू वी एन कन्वर्जेंट है इसलिए यू एन भी कन्वर्जेंट ही होगी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं चेक अबाउट द सीरीज हुज एंथ टर्म इज साइन वन बाई एन ओके इट मीन्स आपको यू एन कितना दिया है यू एन आपको दिया गया है साइन वन बाई एन वेरी नाइस नाउ वी एन देखिए तो वी एन क्या लेते हैं इसमें हम इसमें वी एन लेते हैं वन अपॉन एन ओके वी एन इसमें हम क्या लेंगे वन अपॉन एन ओके तो वी लेने के पीछे की प्रोसेस को समझेंगे देखिए क्या था वी मैंने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ़ एन डिवाइड बाई लोएस्ट पावर ऑफ एन तो इसमें भाई हाईएस पावर ऑफ एन ऊपर जो बैठ रही है वन अपॉन ऑन एन है नीचे कुछ है ही नहीं है मतलब नीचे वन है ओके सो वी कितना आ गया आपके पास वन अपॉन एन एंड जनरली आपको ऐसा लेना पड़ता है कि जो इसके अंदर हुआ करता है वही लेते हैं साइन के फंक्शंस में सो लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपन वी एन इक्वल टू लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी साइन वन अपॉन एन अपॉन वन बाई एन ओके और ये क्या बन रही है साइन जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही दैट इज इक्वल टू वन जो कि फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू है तो आइए वी एन का स्टेटस चेक करते हैं सिग्मा वी एन इक्वल टू तो सिग्मा वन अपॉन एन ओके okay? <coughs> सिग्मा वन अपॉन एन और यहां पे कितना आ जाएगा वन अपॉन एन की पावर वन है सो so, p इक्वल्स टू वन है तो आपको याद होगा p इक्वल्स टू वन पर सीरीज कैसी होती थी डाइवर्जेंट होती थी देयर फोर जो आपका यू एन आएगा वो भी कैसा होगा डाइवर्जेंट होगा एज वी एन इज डाइवर्जेंट देर फोर यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट सो साइन वन अपॉन एन डिवाइडेड बाई वन अपॉन एन इज डाइवर्जेंट जो साइन वन अपॉन एन डिवाइड बाई वन बाई एन है वो भी क्या होगा आपका डाइवर्जेंट ही होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है द सीरीज सिग्मा सीरीज एन टू दावर वन बाई टू अपॉन टू एन की पावर फाइव प्लस वन ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में किस एग्जाम में आया हुआ है टीजीटी टी exactly. तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे यू एन सबसे पहले सीरीज मान लीजिए क्योंकि इसका इन्फेनाइट को निकालना है तो यू एन इक्वल्स टू एन टू दवर वन बाई टू अपॉन टू एन की पावर फाइव प्लस वन सो so, अब इसका वी एन बनाइए तो ऊपर की हाईएस्ट पावर कितनी है एन की पावर वन बाई टू और नीचे की हाईएस्ट पावर कितनी है वन फाइव सो यू कैन सोल्व इड बाई वन एन की पावर वन अपॉइंट टू माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू एन वन माइनस टेन अपॉइंट टू ओके वन माइनस टेन बाई टू दैट इज इक्वल टू एन की पावर माइनस नाइन बाई टू और सॉल्व करने पर कितना आ गया वन अपॉन्ट नाइन बाई टू एन की पावर नाइन बाई टू अब चलिए यू एन अपॉन्ट वी एन निकालते हैं ओके okay, किस तरीके सॉल्व करते हैं देखिए इसके बाद हमको लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी करके हमको यू एन अपॉन वी एन निकालना पड़ेगा ठीक है तो जस्ट वन सेकेंड यस सो नाउ लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपन वी एन दैट इकअल टू एन टू पावर वन बाई टू अपॉन टू एन की पावर फाइव प्लस वन ओल्ड डिवाइडेड बाई वन अपॉन एन ट पावर नाइन बाई टू जो कि ऊपर जाएगा तो नाइन बाय टू और वन बाय टू एड होकर के एन की पावर फाइव बन जाएगा नीचे से एन की पावर फाइव कॉमन ले लीजिए तो कितना आ गया वन अपॉइंट टू और वन अपॉइंट टू की जीरो के इक्वल नहीं है इसका मतलब इफ़ लिमिट एन टेंस टू ट्वेंटी यू एन अपन वी एन दैट इज़ वन बाई टू दैट इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर तो अब हम सिग्मा वी एन की तलाश करते हैं और सिग्मा वी एन हमारे पास आएगा सिग्मा वन अपॉन एन टू पावर नाइन बाई टू ओके तो यहाँ पे पी टेस्ट लगाएंगे और यहाँ पे पी की जो वैल्यू हमारे पास निकल करके आ रही है क्या है वो नाइन बाई टू एंड नाइन बाई टू इज़ ग्रेटर दैन वन इसलिए कंपेरिजन टेस्ट से ये जो सिग्मा यू एन होगा वो भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा सो अवर आंसर इज़ वॉट

तो कोई भी साइन आ जाए आपको परेशान नहीं होना है ये आपके पास सीक्वेंस है वन प्लस माइनस वन टू पावर एन ओके सो आप मैंने इसको सेपरेटली लिख लिया वन प्लस माइनस वन की पावर एन और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए किस तरीके से आएगा वे वन बाई वन इसकी वैल्यू निकाली देखिए तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो पहली वैल्यू देखिए वन प्लस माइनस वन की पावर एन मतलब वन प्लस वन कितना हो जाएगा अपने पास में एन की वैल्यू वन रखने पर जीरो हो जाएगा सॉरी एन <coughs> की वैल्यू वन रखने पर क्या हो जाएगा जीरो <coughs> फिर इसके बाद मैं एन की वैल्यू टू रखता हूं तो वन प्लस वन की पावर टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जीरो अगेन मैं यहां पे वैल्यू रखता हूं अगली फोर रखता हूं तो टू हो जाएगा तो देखिए फाइनेटली ये जो वेरिएशन हो रहा है जीरो से लेकर टू के बीच में हो रहा है तो ये कौन सा सीक्वेंस है ये है ऑसिलेटरी सीक्वेंस ओके तो ये कौन सा सीक्वेंस है ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है चलिए अगले सीक्वेंस की बात करते हैं ये देखिए ये है एन अपॉन एन प्लस वन ओके सो एन अपॉन एन प्लस वन को हम कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास यू एन दिया हुआ है ओके तो सिंपल एकदम हम लिमिट एंड टेंस टू तो इन्फिनिटी लगा देते हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम जैसी चीज़ नहीं यहाँ पे लिमिट एंड टेंस टू तो इन्फिनिटी लगा करके देखिए क्या आ रहा है फाइनाइट आ रहा है ओके एन टेंस टू तो इन्फिनिटी में कहाँ जा रहा है फाइनाइट आ रहा है मतलब सिक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है कैसा है सिक्वेंस यहाँ पे कन्वर्जेंट है तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आपको वन कन्वर्जेंट मिलेगा बिकॉज एन टेंस टू इन्फिनाइट लाने के लगाने पर ये एन ऊपर से कैंसिल नीचे से कैंसिल वन प्लस वन बाई एन एन टेंस टू इन्फिनाटी पे इसकी वैल्यू वन हो रही है जो कोई फाइनाइटली अप्रोच कर रही है इसलिए इसका ऐसा हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको मैं एकदम एंड में डिस्कस करूँगा और ये क्या है भाई ओके यस देखिए यहाँ पर आपके पास में एक सीरीज़ है सेकेंड ओके okay. ये सीरीज आपके पास में है ओके okay? और इसमें यहां पर हमसे ये पूछा गया है इस सीरीज के बारे में कि ये इन्फानाइट सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट कब होगी इन्फानाइट सीरीज जो है यदि ये कन्वर्जेंट है तो बताइए पी की वैल्यू क्या होगी अब देखिए ऑलरेडी आपके पास कह रहा कि कह रखा है कि ये जो सीरीज आपके पास में है कह रहा है कि अगर एक कन्वर्जेंट है तो पी की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी सबसे पहले आप इसमें यू एन डिज़ाइन कीजिए सो सो सिंपल इस सीरीज को डिज़ाइन करना बहुत आसान है यहाँ पे यू एन क्या आ जाएगा ऊपर के सारे टर्म वन है और नीचे के सारे टर्म चेंज हो रहे हैं एन की वैल्यू वन एन की वैल्यू टू सो आई कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ एन टू दी पावर पी डन फाइन और अब हम जानते हैं कि ये पी सीरीज़ बन रही है और पी सीरीज़ के डाइवर्जेंट होने के लिए क्या होता है पी ग्रेटर देन वन ओके पी के सॉरी कन्वर्जेंट है सॉरी नॉट ओके कन्वर्जेंट पूछ रहा है तो कन्वर्जेंट के लिए ही होता है क्या पी ग्रेटर देन वन और लेस देन और इक्वल टू वन पे क्या होता है डाइवर्जेंट होता है ना हाँ ये थोड़ा सा हिंदी में कन्फ्यूजन होता है ध्यान रखिएगा इसको तो कन्वर्जेंट है मेरे को थोड़ा लग रहा है कि गलत कह रहा है क्योंकि कन्वर्जेंट को अभी सारी बोलते हैं बट हिंदी में पर इसने सॉरी कन्वर्जेंट को हाँ अभी सारी ही बोलते हैं ठीक है राइट सही लिखा हुआ है तो कन्वर्जेंट सीरीज पूछ रहा है तो कन्वर्जेंट सीरीज के लिए यहाँ पे जो n की पावर p आती है पी का जो पावर होता है जो पावर हुआ करती है एन की वो क्या होती है ओ, वो होती ग्रेटर देन वन याद रखिएगा, एन की पावर पी अगर लेस और इक्वल टू वन है तो वो क्या होता है डाइवर्जेंट होता है बट पी ग्रेटर देन वन है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा पी ग्रेटर देन वन ही होगा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ये श्रेणी है अब यह कह रहा है कि यह अपसारी है ओके ये श्रेणी अपसारी तो सबसे पहले इसका टर्म बना लीजिए सीरीज का एन टर्म क्या होगा गया यू एन इक्वल टू होगा एन प्लस वन बिकॉज टू से शुरू है तो एन प्लस वन अपॉन एन टू दी पावर पी ओके ये तो हो गया यू एन अब वी एन डिजाइन करिए तो वी एन मतलब ऊपर की हाइस्ट पावर कितनी है ये तो यू एन हो गया भाई ठीक है वी एन ऊपर की हाइएस्ट पावर क्या है एन और नीचे की हाईस्ट पावर क्या है एन टू दी पावर पी सो वी एन मेरे पास क्या बनेगा वन अपॉन एन टू दी पावर पी माइनस वन ओके बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी एन की पावर पी माइनस वन अब लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन किया सो एन प्लस वन अपॉन एन की पावर पी एंड वन अपॉन एन टू पावर पी माइनस वन तो ये ऊपर आ चुका है और देखिए कैसे सॉल्व होगा ये यहाँ एन की पावर पी से एन की पावर पी कैंसिल फाइनली हमारे पास बचेगा एन प्लस वन अपॉन एन जिसमें इन्फिनिटी लिमिट लेके सॉल्व करने पर वन प्लस वन बाई एन आउटपुट करने पर इन्फिनिटी कितना आ जाएगा वन दैट इज़ नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू तो नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है तो हम यहाँ पे फिर हम लगा सकते हैं यहाँ पे देखिए हम कंप्रेजेंट टेस्ट लगाएंगे तो कंप्रेजेंट टेस्ट के लिए हम क्या निकालेंगे वी और वी एन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं वन अपॉन एन की पावर पी माइनस वन और साथ ही कह रहा है कि कन्वर्जेंट है क्या है कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट करने के लिए हमारे पास जानते हैं कि कन्वर्जेंट करने के लिए जो पावर हुआ करती है वो क्या होती है ग्रेटर देन वन होती है तो पी माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन वन तो पी इज ग्रेटर देन टू यहां पे पी की वैल्यू जो होगी दो से बड़ी आनी चाहिए चलिए अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेहतरीन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यहां पर आपके पास में सिक्वेंस दिया गया देखिए यहां पर मैंने इस तरीके का यूज किया है तो ये सिक्वेंस ही है यहां मैं चाहता तो सीधे ए एन का भी यूज कर लेता यहां मैं चाहता तो ऐसे भी यूज कर लेता एस एन या मैं यहां चाहता तो इस तरीके से भी यूज कर सकता था तो परेशान ये 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 सब के सब के के ही तो 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 भाई sequence एक अपने को ये दे दिया गया है 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 अब पूछा जा रहा है कि ये जो sequence है, इसका nature क्या है? तो so simple यार इसमें तो अपन ने पढ़ा रखा है. Limit to infinity लगा पावर इंफिनिटी फॉर्मेट में है और या तो मंकी ट्रिक से भी कर सकते या directly हो या डायरेक्टली इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है एक्सपोरेंशियल दैट इज फाइनाइट दैट इज

एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस हाँ अगर कोई भी आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस होता है तो उसका जो सब सिक्वेंस होता है ना वो कन्वर्जेंट हुआ करता है सो एवरी बाउंडेड सिक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस एक परिबद्ध अनुक्रम एक अभिसारी उप अनुक्रम होता है जी हाँ एक परिबद्ध अनुक्रम में एक अभिसारी उप अनुक्रम होता है और इसको बोलते हैं बॉल्जेनो वेस्ट वेरस्ट्रेंस थ्योरम इसको बोलते हैं बॉलजेनो वेरस्ट्रेंस थ्योरम ठीक है मतलब क्या सीखा हमने कि एक अगर कोई आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस है कोई आपके पास कैसा सीक्वेंस है बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके अंदर जो सीक्वेंस होगा है ना उप अनुक्रम अगर बाउंडेड है मतलब परिबद्ध है मतलब उसकी बाउंड्री फिक्स है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है तो उसके अंदर जो सबसिक्वेंस होगा वो कैसा होगा आपके पास में वो कन्वर्जेंट होगा है ना अभिसारी होगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हाँ ये सीरीज दी गई है हमें पता करना है कि किस तरीके की द सीरीज एन टू पावर वन बाय टू अपॉन टू की पावर टू एन की पावर फाइव प्लस वन तो इसका यू एन तो सिंपल देख के ही समझ में आ गया अब देखिए इसका वी एन निकालते तो हाइएस्ट पावर ऑफ एन टू द पावर वन बाय टू अपॉन हाइएस्ट पावर नीचे की कितनी एन की पावर फाइव सो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी यू एन अपॉन वी एन कर देंगे एन की पावर वन बाय टू अपॉन टू एन की पावर फाइव प्लस वन और नीचे एन की पावर वन बाय टू डिवाइड बाई एन की पावर फाइव तो एन की पावर वन बाई टू एन की पावर वन बाय टू कैंसिल हो जाएगा ऊपर आएगा एन की पावर फाइव अपॉन टू एन की पावर फाइव प्लस वन और जिसको सॉल्व करने पर कितना आ गया वन अपॉन टू दैट इज अ फाइनाइट वैल्यू एंड नॉन जीरो ऑफकोर्स तो हम यहाँ पर कंप्रेजन टेस्ट लगाएंगे नॉ सिगमा वी एन इक्वल टू कितना आ जाएगा वी एन मतलब इस पर लगना है N

तो हमने सीरीज़ को भी कन्वर्जेंट ही बोलेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है वन अपॉन वन इंटू टू टून थ्री टू थ्री इंटू फोर तो क्या करेंगे सबसे पहले इसकी सीरीज बनाएंगे तो इसकी सीरीज़ क्या बनेगी ऊपर के टर्म तो नेचुरल नंबर है सो वी कैन राइट इट एन नीचे के टर्म्स क्या हो रहे हैं एक कम है और एक ज़्यादा है सो so, एक कम है मगर ऑड नंबर में है तो टू एन माइनस वन और एक एक ज़्यादा है मगर सारे के सारे ईवन है सो टू एन ओके सो एन से एन कैंसिल कर दीजिए और ये क्या बन गया वन अपॉन टू इंटू टू एन माइनस वन अब चलिए वी बनाइए सो हाइएस्ट टर्म ऊपर का क्या है वन है और लोए नीचे का हाइस्ट टर्म पावर क्या क्या है एन है ओके सो वन अपॉन एन सो नाव यू एन अपॉन वी एन दैट इज इक्वल्स टू कर देंगे तो देखिए यू एन की वैल्यू कितनी है वन अपॉन टू टू एन माइनस वन और वी एन है वन अपॉन एन तो पलट करके एन ऊपर आ चुका है इसको सॉल्व करने पर आप लिमिट टेंस टू इन्फिनेटी लेपरम पर क्या आता है वन अपॉइंट फोर दैट इज़ अ फाइनाइट वैल्यू और ये आपके पास में कैसी वैल्यू आ रही है फाइनाइट फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो आइए हम लगाते हैं कंपेरिजन टेस्ट तो ेंगे सिग्मा वी एन इक्वल टू वन अपॉन एन और यहां पर एन की वैल्यू मतलब कितनी है वन मतलब पी की वैल्यू कितनी है वन क्योंकि हमें चेक करना पड़ता है सिग्मा वन अपॉन एन टू पावर पी से कंपेयर जब करते हैं वी एन को तो यहां पे पी की वैल्यू की तैयारी वन आ रही है और पी की वैल्यू वन होने पर वी एन क्या होगा डाइवर्जेंट होगा इसलिए यूएन भी क्या होगा डायवरजेंट सो द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट ओके तो ये जो सीरीज दी जा रही है ये डाइवर्जेंट है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि पी एंड क्यू आर द पॉजिटिव रियल नंबर देन दिस सीरीज इन कन्वर्जेंट देखिए ऑलरेडी कह रहा है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो मतलब जब कन्वर्जेंट है तो आपको फाइनाइट टेस्ट लगाना नहीं है सो नो नीड टू चेक फाइनाइट टेस्ट बिकॉज ऑलरेडी उसने कह रखा कि भाई कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट तब होगी जब वो पी एन पी अपॉन क्यू लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपन वी एन जो होता है वो क्या था फाइनाइट आएगा तो उसकी चेक करने की जरूरत नहीं है अपन सीधे यू एन ओ वी एन पे चलते हैं और सीधे हम कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे तो यू एन देखिए कितना आएगा यू एन आएगा यहाँ पे एन प्लस वन टू दी पावर पी अपॉन एन टू दी पावर क्यू सो अब यहां पे वी ए निकाली हाईएस्ट पावर कितनी है एन की पावर पी है और इधर की हाईएस्ट पावर क्या है एन की पावर क्यू है दैट कैन बी रिटर्न एज वन अपॉन एन टू द पावर क्यू माइनस पी ओके ठीक है भाई वन अपॉन एन टू द पावर क्यू माइनस पी ठीक है ना अब देखिए कह रहा है कि कैसी होगी यहां पे इंग्लिश में समझ में आता भाई मेरे को कन्वर्जेंट तो कन्वर्जेंट के लिए ये जो डिनोमिनेटर होता है वो कैसा हुआ करता है ग्रेटर देन वन सो क्यू माइनस पी इज ग्रेटर देन वन सो क्यू ग्रेटर देन कितना हो जाएगा वन प्लस पी क्यू ग्रेटर देन वन प्लस पी सो पी की वैल्यू निकालनी है तो पी लेस देन कितना हो जाएगा क्यू माइनस वन सो यहां पे देखिए ऑप्शन कौन सा है ये वाला है लेस देन क्यू माइनस वन तो सारे क्वेश्चन मैंने यहां पे किए हैं आपके लिए और देखिए एक बार फिर से रिवीजन थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पे क्या कह रहा है भाई रिवीजन रिवीजन ये कह रहा है कि द सीरीज वन अपॉन एन टू द पावर पी विज डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट के लिए बताया था, था मैंने जो p टेस्ट होता है वो कहता है p की वैल्यू जो होती है लेस देन और इक्वल टू वन होनी चाहिए तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है द सीरीज दिस एन टू द पावर पी अपॉन एन प्लस वन होल पावर पी माइनस अल्फा इज कन्वर्जेंट देन द वैल्यू ऑफ अल्फा भाई फिर से कन्वर्जेंट की बात कर रहे हो मतलब

ओके okay, जो सिग्मा वी एन में आपके पास जो सिग्मा वी एन में जो केस बनता है सिग्मा वन अपॉन एन टू तो दी पावर पी वो पी क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन वन तो यहां पे पी, पी के फॉर्म में कौन बैठा हुआ अल्फा सो अल्फा ग्रेटर देन वन सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहां पर हाँ, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा हेलो ओके okay, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था कि अल्फा जो होगा दैट इज़ ग्रेटर देन वन होगा क्योंकि यहाँ पे पावर अल्फा आ रही है सो अल्फा इज़ ग्रेटर देन वन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सीरीज़ हमारे पास है वन इंटू टू इंटू थ्री थ्री इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री फोर इस तरीके से सीरीज़ बन रही तो जाहिर सी बात है हमें सबसे पहले सीक्वेंस जनरेट करना पड़ेगा सो यू एन इक्वल्स टू है हमारे पास कितना टू एन माइनस वन अपॉन एन इन एन प्लस वन इन एन प्लस टू फाइन नाउ अब इसको देखिए यू एन और वी एन लिखिए तो वी एन इक्वल टू क्या था हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर कितनी है एन है और डिनोमिनेटर की कितनी है एन क्यूब है क्योंकि एन इन टू एन इन टू एन तो डिनोमिनेटर की हाइस्ट पावर कितनी है एन क्यूब है सो so, ये कितना आ जाएगा भाई ये आ जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर वन अपॉन एन स्क्वायर ना यू एन अपॉन वी एन इक्वल टू टू एन माइनस वन डिवाइड बाई एन इन टू एन प्लस वन इन टू एन प्लस टू ये तो आपके पास यू एन है और वी एन कितना आपके पास में वी एन आपके पास में एन अपॉन एन क्यूब है ठीक है ना तो मेरे को तो इसको सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए पूरा पूरा लिख दिया है सो टू एन माइनस वन इन टू एन क्यूब ऊपर चला जाएगा और वन अपॉन एन अपॉन में आ जाएगा और एन क्यूब में अगर इन सबसे कॉमन ले लूँ तो एन क्यूब कॉमन होने के बाद वन वन प्लस वन अपॉन एन और वन प्लस टू अपॉन एन एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल कर दिया और इस वाले एन को डिवाइड कर दूंगा तो कितना बचेगा टू माइन

तो दोस्तों ये था हमारा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज़ पर एंड सीक्वेंस पर प्रैक्टिस सेशन आप लोग को ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और आप किसी भी प्रकार का अगर सुझाव और शिकायत है आपकी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका महत्वपूर्ण कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत नमस्कार